दिनों के बाद फिर आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है. आई एम रियली रियली सो हैप्पी. मैं वर्ड में एक्सप्रेस नहीं करना नहीं कर पा रही हूँ, बट येस आई एम रियली रियली सो हैप्पी दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही है. सो गाइज, मेरी फाइनल जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो फाइनली खत्म हो गई है. अब नेक्स्ट वीक में थ्योरी एग्जाम चालू होने वाली है. सो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी. पता नहीं मैं कब करूँगी, बट हाँ मैं फुल कोशिश करूँगी कि ये जो दो वीक है इस दो वीक में मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ मुलाकात कर सकूँ. सो इसीलिए बहुत दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के सामने ये वेडिंग गेस्ट समर स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल, और यू कैन से दिस इज अ वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल. ये मेकअप जो लुक है ना, आज मैंने मिस क्रिएट के मेकअप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके ही क्रिएट की है. सो होपफुली आप लोगों को ये लुक पसंद आएगी. इफ यस देन लाइक डेफिनेटली कर दीजिएगा, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको. उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल बटन जो है सब्सक्राइब बटन के बगल में जो घंटी है उसे भी एक बार हिट कर लेनी है ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाए. तो यस, विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू दिस ट्यूटोरियल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू यूज मिस क्लेयर स्टूडियो परफेक्ट प्रोफेशनल मेकअप प्राइमर, और ये एंटी डैंड्रफ प्राइमर है. मेरी शेड है 02 वेस्ट. सो ये आपकी स्किन को बहुत ही स्मूदर बना देती है. फाउंडेशन जब आप अप्लाई करोगे आपकी स्किन इतनी वेलवेटी स्मूथ हो जाएगी कि फाउंडेशन अप्लाई करना बहुत ही ईजी हो जाएगी, और उसकी जो बेस है वो बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर भी हो जाएगी. सो आफ्टर अप्लाइंग प्राइमर मैं लगाऊंगी मिस क्लेयर की फुल कवरेज मेकअप. सो अगर आप मिस क्लेयर के ये छोटी वाली फुल कवरेज मेकअप खरीदते हो देन सेपरेटली यू डोंट नीड टू बाय एनी कंसीलर एंड फाउंडेशन. सो एक ही पॉट कंसीलर एंड फाउंडेशन दोनों की काम करती है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, बजट फ्रेंडली एक फुल कवरेज फाउंडेशन है ये. सो आपको कंसीलर तो खरीदनी नहीं पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ 375 रुपीज़ में आपको एक फुल कवरेज फाउंडेशन मिल रही है. इसीलिए मिस क्लेयर की ये वाली जो फाउंडेशन है मुझे काफ़ी पसंद है, और ये मुझे एक्चुअली ना एक ड्यूवी ग्लोई कवरेज प्रोवाइड करती है. दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ मैट फाउंडेशन, दैट्स वाई स्पेशली आई लव दिस. एक बार अप्लाई करने से मेरी फेस काफ़ी ग्लोइंग और इल्यूमिनेटिंग लग गई है. सो सेपरेटली मैं मेरी अंडर आइज में और मुझे उतनी ब्लैक स्पॉट्स नहीं है. अगर आपको डार्क सर्कल्स हो या छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स या रेडनेस हो देन आप री अप्लाई कर सकते हो, या उसी पोर्शन में एज अ कंसीलर आप जैसे लगाते हो कंसीलर के हिसाब से भी इसे लगा सकते हो. उसके बाद हम हमारी फेस को सेट करेंगे. उसके लिए हमें चाहिए एक लूज पाउडर. मिस क्लेयर डू हैव देयर लूज पाउडर, बट मेरे पास वो लूज पाउडर अभी अवेलेबल नहीं है. मैंने ऑनलाइन में ऑर्डर की थी लेकिन मेरी जो शेड है वो अवेलेबल नहीं थी. सो इसीलिए मैं आज लगाऊंगी लैक्मे की रोज पाउडर, और इट कम्स विद सनस्क्रीन जो आपको सन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है. और इसमें मेरी शेड है 01 सॉफ्ट पिंक, ये काफ़ी अच्छी और अफोर्डेबल प्राइस में आती है. सो इसीलिए इजीली आप अफोर्ड कर सकते हो. इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी है, आपकी फेस को ऑयल फ्री रखती है दिन भर. सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे आई मेकअप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पून की मदद से मैं मेरे आईब्रोज को अच्छी तरह से कोट कर लूँगी ताकि जो एक्सेस पाउडर है वो हमारे आईब्रोज से निकल जाए और हम एक अच्छी और परफेक्ट शेप प्रोवाइड कर सकें. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस आईब्रो पेंसिल फ्रॉम मिस क्लेयर. मिस क्लेयर की आईब्रो जो पेंसिल है वो काफ़ी पिगमेंटेड है, अफोर्डेबल है, और इट कम्स विद अ मिनी ब्रश. तो गाइस, फर्स्ट मैं जो अपनी क्रीज में आईशैडो लगाऊंगी वो है मिस क्लेयर की सिंगल ब्राउन आईशैडो, और इसके नंबर है 0209. नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईच प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं मेंशन कर दूंगी, आप वहीं से विद लिंक खरीद भी सकते हो और चेक तो डेफिनेटली कर ही सकते हो. सो मैं सिर्फ थोड़ी सी ब्राउन शेड लूँगी बिकॉज मैं बहुत डार्केस्ट एक शेड अपनी क्रीज में नहीं लगाना चाहती हूँ. सो उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे हमारी आई मेकअप में. सो फर्स्ट हम ट्राई करेंगे एक जेल आईलाइनर को. सो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मिस क्लेयर डोंट हैव अ जेल आईलाइनर. मैं लगाऊंगी मिस म्यूजिक फ्लावर की जेल आईलाइनर, और म्यूजिक फ्लावर की जेल आईलाइनर बहुत अफोर्डेबल होने के साथ साथ क्वालिटी वाइज दे आर सुपर. तो पहले आप ऐसी एक विंड शेप ड्रॉ कर लीजिए एक एंगुलर ब्रश की मदद से ताकि आप जब आई शेडो लगाओगे ये एक गाइडलाइन की तरह है, बिकॉज इस लाइन के राइट साइड में आपको नहीं आनी है. इस लाइन के बराबर ही आपको अपनी जो शेडोज आप लगाओगे उसकी हाइट इस लाइन की बराबर होगी.
तो ये एक गाइडलाइन है। विदाउट सेलो टेप अगर आप विंग लाइनर या आई शेडो एक परफेक्ट स्ट्रोक शेप क्रिएट करना चाहते हो तो ये स्टेप आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं लूंगी मिस क्लेयर की सिंगल ब्लैक आई शेडो, ये बहुत ही पिगमेंटेड है सो आपको बिल्कुल थोड़ी सी प्रोडक्ट लेनी। अब मैं लूंगी मिस क्लेयर की द रोमांटिक आई शेडो पैलेट और इस पैलेट में आपको बहुत सारी कलरफुल कलर्स मिल जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैलेट में ये जो ग्रे शेड है इस शेड को मैं लूंगी दिस वन और अपने आई लिड्स की मिडिल पोर्शन में लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं इस सेम पैलेट में जो शिमरी व्हाइट कलर है इस कलर को लूंगी। तो अब मैं एक छोटी सी स्मजर ब्रश को ले रही हूँ और जो ब्राउन शेड को मैंने फर्स्ट लगाई थी अपनी क्रीज में ट्रांजिशन शेड के हिसाब से उस शेड को ही मैं लेके तीनों कलर को अपनी क्रीज के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हर स्ट्रोक ना रह जाए। तो इसीलिए मैं सेम जेल लाइनर को लगाऊंगी एक एंगुलर ब्रश की मदद से। कलर है इस कलर को लूंगी और अपनी लोअर लैश लाइन में लगाऊंगी। अगर आपने ऐसी आई लुक क्रिएट की है देन सेपरेटली आपको आई लाइनर लगाने की जरूरत नहीं है, बट आई लाइनर हमारी आंखों को थोड़ी सी प्रोमिनेंट एक्स्ट्रा बनाती है सो इसीलिए मैं सेम जेल लाइनर को लगाऊंगी एक एंगुलर ब्रश की मदद से। नाउ आई एम गोइंग टू कर्ल माई आई लैशेज। अभी मेरी आई मेकअप बिल्कुल कंप्लीट हो गई है सो अब मैं लगाऊंगी मिस क्लेयर की द शेप योर फेस पैलेट से। ये सो ये मेनली कंट्रोलिंग हाईलाइटर एंड ब्लशर पैलेट है, एक ही पैलेट में आपको तीनों मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो कंट्रोल शेड है इस शेड को लूंगी। तो अब मैं लगाऊंगी मिस क्लेयर की सिंगल ब्लशर। इस पैलेट में भी ब्लशर अवेलेबल है सो अगर आप बिगिनर हो मेकअप पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो दिन सच कैंस ऑफ पैलेट्स आर बेस्ट फॉर यू। सो आज मैं लगाऊंगी मिस क्लेयर की ब्लशर और इसकी नंबर है 07। ये बहुत ही प्रिटी और पिगमेंटेड एक बेबी पिंक कलर है सो आपको बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है। सो अब हम लोग इस मेकअप के बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ गए हैं। सो अब मैं लगाऊंगी इस सेम पैलेट में जो हाइलाइटर है इस हाइलाइटर को। ये बहुत चमकीला शिमरी हाइलाइटर नहीं है बट फॉर डेली यूज अगर आप नॉर्मली बहुत ही शाइनी हाइलाइटर नहीं चाहते हो एक नेचुरल लुक चाहते हो देन ये हाइलाइटर बेस्ट है। जो डेली बेसिस के लिए भी परफेक्ट है एज अगर आपने कोई भी एक हेवी आई लुक क्रिएट की है। So yes guys, this is how I ends my today's makeup look. So hopefully ये look आपको पसंद आई है। जंग ज्वेलरीज के साथ भी आप ये look definitely create कर सकते हो। मैंने बिंदी लगाई है एक black। अगर आप चाहते हो एक western look create करना then definitely बिंदी को आप ना भी apply कर सकते हो। So yes, thank you so much guys for watching. Definitely let me know in the comment section below कि आपको कैसी लगी ये look और अगर आप recreate करना चाहते हो definitely recreate करने के बाद मेरे Instagram में टैग करना बिल्कुल ना भूले और इंस्टाग्राम में मुझे डेफिनेटली फॉलो करें बिकॉज मैं वहाँ पे हमेशा रोजाना अपडेट रहती हूँ। सो यस थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। सी यू सून एट माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय।